मित्रों, जैसा हमने सबने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी का आज मन की बात का 100वां एपिसोड, और बहुत ही क्योंकि 100वां एपिसोड था इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें, सुने, और एक सार जो है 100वें एपिसोड का आज उन्होंने उस पर चर्चा की। अच्छी बात यह है कि इन एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा वैसे तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सागवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर, ये जो अभियान था हैबतपुर गांव जींद के बीबीपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रक्रिया दी होगी, लेकिन उद्देश्य में न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ, और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। खास करके जो प्रदीप सांगवान की बात जो उन्होंने की है, पूरे टूरिज्म का जो क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट पहाड़ों पर जाकर के जो खाने पीने के बाद उपयोगी चीज़ों को लेने के बाद जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई थैला है, प्लास्टिक का कोई बैग है अथवा बॉटल है, ये सब जो फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी बिगड़ता है। उस अभियान में, उस स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जिक्र किया, और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को ये मिली है। इसी प्रकार उन्होंने एक बार चर्चा की थी भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव की, दुल्हेड़ी गांव के नौजवान स्वच्छता अभियान में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ऐसी कई बातों की चर्चाएं उन्होंने उस समय की थी। इनके करने से, यानी इनके आज मन की बात के अंदर उल्लेख होने से ये सारे विषय अभियान का रूप ले लेते हैं, और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि ये काम हमको भी करना चाहिए। तो बहुत विषयों पर, क्योंकि सरकार का काम विकास के साथ साथ जन जागरण करना, जनता को दिशा ठीक देना, ये भी रहता है, तो मन की बात ने बहुत बड़ा एक उपयोग उसका हुआ, और ये काम किया है कि देश की जनता को, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो, और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही, उन्होंने पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरनमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने, तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को भी उत्साह मिलता है। और मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जब मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं तो लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने किया। आप जो मन की बात कार्यक्रम इसके लिए सेंटर ने तैयारी की थी, नब्बे विधानसभा में जिस तरीके से हर जगह पर 100 लोग कम से कम रहे, और 9 लाख से भी ज्यादा का लक्ष्य हरियाणा भाजपा का था, वैसे पूरे देश भर में करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं, तो आप ये मानते हैं कि बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है? जैसे मैंने बताया कि देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ते हैं, इसके बराबर अगर मैं उदाहरण दे सकता हूँ तो कभी महाभारत का एक एपिसोड जो चलता था टेलीविजन के अंदर, और जब लोग उसको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते थे, एकदम जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाता है, ऐसा हमने देखा। उसी प्रकार का हर रविवार को, महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के समय लोग अपने सब कामों को छोड़ करके और कहीं ना कहीं टीवी के सामने बैठते हैं, उनको एक दिशा मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, समाज सुधार की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक दिशा की बात होती है, तो लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने वाला ये कार्यक्रम है। आज भी अनुमान से बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों ने इस एपिसोड को आज सुना है। कुल व्यूअरशिप अभी तक 100 के 100 एपिसोड की एक सर्वे के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वो लगभग 100 करोड़ है। उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो लगभग हर बार सुनते हैं, आधे लोग कभी मिस करते हैं, कभी कोई एपिसोड देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अभियान, दुनिया का इतना बड़ा अभियान व्यूअरशिप का शायद ही कोई उदाहरण इसका मिले। हरियाणा में भी आज 10 लाख से ऊपर लोगों ने इस समय इस कार्यक्रम को सुना है, एक व्यवस्थित कार्यक्रम आज सारे हरियाणा में किया गया। सर, 100वें एपिसोड में हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि, पीएम साहब ने 7-8 लोगों से बात की, सुनील जागलान, प्रदीप सांगवान, दो युवा हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के लिए और बड़ी बात है सर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हरियाणा के बहुत से उन्होंने प्रसंग 100 एपिसोड में, खास करके इन दो का तो जिक्र है ही है, दुल्हेड़ी की मैंने बात बताई है, इसी प्रकार उन्होंने खिलाड़ियों की बात कई बार की है, प्रगतिशील किसानों की बात की है, और ऐसे कई उदाहरण लिए जा सकते हैं। अगर 100 के 100 एपिसोड हम देखेंगे तो हरियाणा की बहुत सी उल्लेखनीय ऐसे प्रसंग हैं जिसकी चर्चा उन्होंने की। सर, ये जो इससे पहले
बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, उसके बाद हरियाणा में बड़ा अंतर लिंग का जो आंकड़ा है उसमें देखने को मिला था। तो आप ये मानते हैं कि जब किसी प्रेरणा के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जो मन की बात में चाहे वो कमल के उससे और उनका जो महिला का जो काम है उसके साथ लोगों को जोड़ने की बात, तो इससे लोग प्रेरित होते हैं और काम जो आगे बढ़ते हैं? जब किसी बात को राजनीति से ऊपर उठ करके किया जाए तो उससे प्रेरणा लोग लेते हैं। कोई भी अभियान हो, प्रधानमंत्री जी के ये सारे अभियान तो इसकी चर्चा ही है। बहुत बार ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिनका समाज में एक अच्छी एक जिसको कहना चाहिए संदेश जाता है, उसमें समाज उसमें उसकी मान्यता देता है। उदाहरण के लिए हमने हरियाणा सरकार में बहुत से ऐसे काम किए। उस हरियाणा सरकार में काम करने वालों ने आपको ध्यान में होगा, सबसे पहले हमने गौ रक्षा के बारे में गौ संवर्धन गौ सुरक्षा इसका कानून बनाया और गौओं को कैसे एक प्रकार से उनकी, क्योंकि हम श्रद्धा से देखते हैं, हम उसको माता मानते हैं, गौशालाओं को संवर्धन गौशालाओं को बढ़ावा देना ये हमने किया है। और उसी के अंतर्गत इस बार तो हमने अपना बजट भी पिछले बार साल जो 40 करोड़ रुपया था इसको इस बार 400 करोड़ रुपया किया है। और मैं ये बात आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अभी चूँकि फसल का जब कटाई होती है तो गौशालाएँ तूड़ी खरीदने के लिए उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि तूड़ी की आवश्यकता साल भर उनको रहती है। तो आज हमने जितनी गौशालाएँ हैं लगभग 450 गौशालाएँ उनके लिए 36 करोड़ रुपया आज रिलीज़ किया है ताकि गौशालाओं को तूड़ी खरीदने में सहयोगी और सहायक हो सके, ये काम ने किया है। ऐसे ही सामाजिक कामों में उनकी समस्याएं कठिनाइयां जो आती हैं उन कठिनाइयों में अभियान चलाने के लिए हम कई अभियान चलाते हैं। जैसे हमने भी परिवार पहचान पत्र के अभियान चलाए, उसके अंदर हमने लगभग 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए और प्रधानमंत्री जी ने भी कोविड के दोनों में हर परिवार में डबल राशन उसको कैसे पहुंचे लगभग 1.5 साल तक ये अभियान चलाया ताकि लोगों की संकट के समय उनकी सहायता की जाए। ऐसे ऐसे सामाजिक सरोकार के जो अभियान हैं ये लगातार चलाए जाते हैं कि हमारे देश का समाज हमारे प्रदेश का समाज ये कैसे सुखी रहे, इन अभियानों में हम भी आगे बढ़ते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।